घर आए, हमारा घर धन्य हो गया। हे विघ्न विनाशक, सबके विघ्नों को हर लो, सबको सुख और शांति दो। सीमा बहन, अरे अरे आस्था बहन, आओ आओ गणपति पापा के दर्शन करो। हाँ हाँ, गणपति पापा के दर्शन करने ही तो आई हूँ। हेलो आंटी, कैसे हैं आप? नेहा, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ आंटी। सभी मिलके गणपति पापा के दर्शन करते हैं। देवा, कितनी सुंदर है ये। हाँ सीमा, इस बार तो तुम बहुत सुंदर गणपति जी को लेकर आई हो। हाँ हाँ, चलो आओ बैठकर बातें करते हैं। कैसे हो आस्था बहन? आज तो आप बहुत दिन में मेरे घर आए हो। हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, बस थोड़ा बिजी रहती हूँ। बच्चे हैं ना, इनके साथ ही टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ा आश्रम में जाकर सेवा करना, बाबा को याद करना, मुरली पढ़ना, उन सब में ही टाइम चला जाता है। अरे आस्था, तुम भी क्या अभी से आश्रम आश्रम के चक्कर में आ गई हो? अभी तो अपने जीवन को देखो। हाँ, लेकिन जीवन श्रेष्ठ भी तो होना चाहिए। वो श्रेष्ठ जीवन जीने की कला ही सीखने के लिए मैं आश्रम जाती हूँ। अच्छा भाई, ठीक है। अरे नेहा, तुम वहाँ क्या खड़ी हो, क्या देख रही हो इतने ध्यान से? आंटी, मैं गणपति जी को देख रही हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो गणपति जी को? आंटी, मैं देख रही हूँ कि गणेश जी को ऐसा सूंड वाला, बड़े बड़े कान, ऐसा क्यों दिखाते हैं? वो तो शंकर जी के बेटे थे ना, और बच्चा तो हमेशा माँ बाप जैसा ही होता है। शंकर जी तो ऐसे नहीं है, फिर गणेश जी को ऐसा क्यों बनाया? नेहा, वो भगवान है, वो कैसे भी हो सकते हैं? आप बताओ ना, गणेश जी को ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्या वाकई में सूंड वाले देवता होते हैं? नहीं नेहा, ऐसा नहीं होता है। देवी देवता भी हम मनुष्यों की तरह ही होते हैं। क्या कह रही हो आस्था, इसका मतलब गणेश जी ऐसे नहीं है? हाँ सीमा, गणेश जी को जो स्वरूप दिया गया है वो उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। विशेषताओं को? मैं कुछ समझी नहीं। आज तक उनके बारे में हम जो कथा सुनते आए उसमें दिखाते हैं कि शंकर जी ने गणेश जी का शीश काटकर और फिर उस पर हाथी का शीश लगा दिया, जिस कारण उनका शरीर तो मनुष्य का है परंतु शीश हाथी का है। अब शीश लगाना ही था तो वापस वही बच्चे वाला शीश भी लगा सकते थे, लेकिन लगाया हाथी का शीश, क्योंकि हाथी का शीश बहुत बड़ा होता है, जो बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक भी कहा जाता है, या बुद्धि का देवता भी कहते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ सीमा, और सिर्फ यही एक विशेषता नहीं है, और भी कई सारी विशेषताएं होने के कारण गणेश जी के शरीर पर हाथी का शीश दिखाते हैं। जैसे कि वो कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे गणेश जी का माथा बहुत चौड़ा दिखाते हैं, जो भाग्य का प्रतीक होता है। गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी दिखाई जाती है, जो कंसंट्रेशन का प्रतीक होती है, और कान बहुत बड़े दिखाए जाते हैं, जो उनके ग्रहण शक्ति अथवा सुनने की क्षमता का प्रतीक है। अच्छा, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, और कभी किसी ने बताया भी नहीं। और कौन सी विशेषताएं गणेश जी में होती हैं? गणेश जी को सूंड दिखाया जाता है, जो उनके कार्य कुशलता का प्रतीक है, और गणेश जी का मुख सूंड के पीछे और छोटा होता है, जो कम बोलने का प्रतीक है। उसके बाद गणेश जी को चार हाथ दिखाते हैं, और चारों हाथों में अलग अलग अलंकार दिखाते हैं। एक हाथ में कुल्हड़ी दिखाते हैं, जो अनेक प्रकार के बंधनों को और अपनी कमी कमजोरियों को काटने का प्रतीक है। वहीं दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं, जो
स्वयं को अनुशासित तथा मर्यादित करने का प्रतीक है। वहीं एक हाथ में गणेश जी के लड्डू दिखाए जाते हैं। अब बूंदी के लड्डू कितनी छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बने होते हैं, तो वो बूंदी के लड्डू आपस में सहयोग भावना का प्रतीक है। यदि हमें किसी कार्य में सफलता चाहिए तो हमें आपस में मिलकर वो कार्य करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना होनी चाहिए। और लास्ट हाथ गणेश जी का आशीर्वाद के रूप में दिखाते हैं, अर्थात गणेश जी सदैव अपनी इस विशेषताओं को, अपनी सभी विशेषताओं को हम सबको दे रहे हैं वरदान के रूप में। अच्छा ये बात है मम्मी, पर गणेश जी को इतना मोटा पेट क्यों दिखाते हैं? दुनिया में भी कहते हैं ना, जब किसी को कोई बात बताई जाती है और यदि वो व्यक्ति सबको बता देता है तो कहते हैं कि देखो इसके पेट में बात ही नहीं पचती है। अर्थात गणेश जी का मोटा पेट उनकी बातों को सीक्रेट रखने का प्रतीक है, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने का प्रतीक है। गणेश जी की बैठक भी आप देखिए सबसे अलग तरीके से दिखाई जाती है, जो सदा हर परिस्थिति और हर कार्य के लिए एवर रेडी रहने का प्रतीक है। अच्छा तो फिर मूषक की सवारी क्यों दिखाते हैं? इतने बड़े गणेश जी छोटे से मूषक पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? हाँ नेहा, मूषक की सवारी इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि जब हम गणेश जी की सारी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ और बड़ी से बड़ी कमजोरियाँ हमारे लिए मूषक के समान छोटी लगने लगती है। हम आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना मम्मी? हाँ बिल्कुल सही। क्या बात है आस्था, तुम तो बड़े समझदार हो गई हो, इतनी सारी ज्ञान की बातें मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। यही सब सीखने तो मैं आश्रम जाती हूँ। वास्तव में गणेश जी की इन सब विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना ही सच्चे अर्थों में गणेश पूजन है। हमें ये विशेष गणेश पूजन जरूर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस बार श्री गणेश पूजन करूंगी। अच्छा चलो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो नेहा। मम्मी चलिए, आप सभी को हमारी गणेश पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं।